पे से एक और स्टॉक पर कमेंट ले लेती हूँ, वो है एलएनटी। आज खबर भी है एलएनटी पर कि जो आईटी सब्सिडरी है एलएनटी इन्फोटेक, उसकी दिसंबर तक कंपनी लिस्ट कराने की योजना बना रही है। 10 से 12% स्टेक डायल्यूट करेगी और करीब 1800 करोड़ कंपनी जुटा सकती है एलएनटी पर। अविनाश आपके कॉमेंट्स क्या है? मार्च से मई के दौरान थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में रहा ये स्टॉक, लेकिन अब जो लोअर लेवल से थोड़े से बाइंग इंटरेस्ट एमर्ज हुए हैं, ये इसे कहां तक ले जा सकते हैं? हालांकि अभी एक दो सेशन पहले बाकलेस की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने 1995 के टारगेट्स रिकमेंड किए हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूशन में तेजी, स्टेबल मार्जिन और जो कैश फ्लोज हैं, इंप्रूविंग कैश फ्लोज है, इनको की पैरामीटर माना है, एक ग्रो ड्राइवर माना है। तभी आपके कॉमेंट्स एलएनटी पर क्या है इन स्तरों पर? आई थिंक एलएनटी डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव प्ले है। आई थिंक इसमें डिफेंस बिजनेस भी काफ़ी बड़ा है। मोर इम्पॉर्टेंटली क्वार्टर फोर के बाद जो पॉजिटिव बात रिजल्ट्स की थी, वो ऑर्डर इनफ्लो काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ा है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने कहा है कि 15 से 16% की ऑर्डर बुक इनफ्लो का ग्रोथ वो आने वाले साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक एग्जीक्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे ख्याल से। हालांकि पहले दो क्वार्टर्स शायद कंपनी के लिए थोड़े से चैलेंजिंग है, लेकिन FY16 सेकेंड हाफ में मैं समझता हूँ अच्छी रिकवरी पॉसिबल है। होपफुली मैक्रो नंबर्स अगर इंप्रूव होते हैं तो डेफिनेटली एलएनटी को भी बेनिफिट मिलेगा, और FY17 को तो डेफिनेटली कंपनी का फायदा मिलेगा, क्योंकि आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में मेरे ख्याल से आएगी। तो आई वुड से दैट लोअर लेवल पे यू नो इट्स ऑलवेज अ बाय ऑन डिक्लाइन, और डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो स्टॉक एलएनटी है जी। चलिए कुछ ही देर में मार्केट्स की शुरुआत होगी, मार्केट्स